नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं विकास टेक। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोग किस तरफ से ग्रो ऐप को रजिस्टर कर सकते हैं। पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सर्च कर लेना है ग्रो। ग्रो सर्च करेंगे तो आपके पास ये ऐप्स आ जाएगा। इसके बाद आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैं पहले से इसको इंस्टॉल करके रखा हूँ और इसको मैंने पहले से रजिस्टर करके भी रखा हूँ। तो चलिए मैं इसको क्लियर डाटा करता हूँ। आपको ये सब करने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पहले से रजिस्टर करके रखा हूँ इसलिए इसमें डिटेल्स रह जाएगा, तो नया करके कुछ भी नहीं आएगा। तो चलिए पहले ग्रो ऐप मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद कंटिन्यू विथ गूगल ऑप्शन आ जाएगा। आपका फ़ोन में जितना भी सारा गूगल अकाउंट है वो दिखाएगा, तो कोई भी एक ईमेल एड्रेस चूज कर लीजिए, आपका जो पर्मानेंट ईमेल एड्रेस है। ठीक है, तो चलिए मैं एक ईमेल एड्रेस चूज कर लेता हूँ। इसके बाद देखिए हमारा मोबाइल नंबर देने के लिए बोल रहा है, तो चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर जो है वो दे देता हूँ। तो मैं मोबाइल नंबर दे दिया हूँ। इसके बाद मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको इधर एंटर करना है। देखिए मोबाइल नंबर इधर हमारा वेरीफाई हो चुका है। अभी अपना क्या करना है, अपना पैन कार्ड नंबर देना है। तो चलिए मेरा पैन कार्ड नंबर जो है मैं इधर एंटर करता हूँ। पैन कार्ड देने के बाद देखिए दोस्तों आपके इधर इधर नाम दिखाएगा। ठीक है, जो कॉन्फर्म डिटेल्स जो आपका ये नाम है, तो आपको कॉन्फर्म पे ये वाला जो ऑप्शन है इधर आपको क्लिक करना है। तो चलिए मेरा नाम यही है। तो इसके बाद देखिए इधर आपको जेंडर चूज करने के लिए बोल रहा है, मेल फीमेल एंड अदर्स, तो मैं मेल चूज करूँगा। इसके बाद देखिए आपका मैरिट के स्टेटस पूछ रहे हैं, तो मैं अभी सिंगल हूँ, मैं सिंगल चूज कर लेता हूँ। इसके बाद आपका ऑक्यूपेशन मतलब आप क्या काम करते हैं, तो आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट कर सकते हैं, हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ कर सकते हैं, सर्विस गवर्नमेंट सर्विस करते हैं तो गवर्नमेंट सर्विस कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय है तो सेल्फ एम्प्लॉय कर सकते हैं। तो मैं अभी सेम एम्प्लॉय कर लूँगा, तो चलिए मैं सेल्फ एम्प्लॉय कर लिया हूँ। इसके बाद देखिए दोस्तों इनकम पूछ रहे हैं, तो हमारा जो इनकम है मैं अप टू 1 लाख, इधर मैं ऑप्शन में क्लिक करूँगा। इसके बाद देखिए दोस्तों ट्रेनिंग एंड इन्वेस्टमेंट में कितना साल का एक्सपीरियंस है मेरा। मैं नया ओपन कर रहा हूँ तो मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं इधर नो एक्सपीरियंस करके पॉसिट पे क्लिक करूँगा। इसके बाद देखिए दोस्तों हमारा मतलब मदर्स का नेम एंड फादर्स का नेम देने के लिए बोल रहा है, तो मेरे को ये दे देना है। तो चलिए मैं ये दे देता हूँ। ऊपर में आपको इधर माँ का नाम देना है, आपका मम्मी का नाम, और इधर आपका पापा का नाम देना है। तो चलिए मैं ये सब कंप्लीट करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देने के बाद दोस्तों देखिए आपके पास प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आएगा आपका बैंक चूज करने के लिए बोल रहा है, तो आपका जो बैंक है वो बैंक आपको इधर एंटर करना है। चलिए तो बैंक दे देता हूँ। तो चलिए मेरा जो बैंक अकाउंट है वो है स्टेट बैंक है मेरा, तो मैं स्टेट बैंक चूज कर लेता हूँ। इसके बाद देखिए दोस्तों आपका आईएफएससी कोड देने के लिए बोल रहा है, तो मैं इधर आईएफएससी कोड दे देता हूँ। आईएफएससी कोड सर्च कर लेता हूँ। देखिए मेरा ई आईएफएससी कोड है, मैं इधर एंटर कर देता हूँ। इसके बाद देखिए दोस्तों आपको इधर अकाउंट नंबर देना है। ठीक है दोस्तों, आपका अकाउंट नंबर देने के बाद आपको वेरीफाई बैंक पे क्लिक करना है। वेरीफाई बैंक पे जब क्लिक करेंगे तब आपको इधर अपना अपना नाम शो करेगा और आपका अकाउंट जो है सक्सेसफुली वेरीफाई मतलब इधर कुछ टाइम दिखाएगा और आपका अकाउंट में 1 रुपीज भेजा जाएगा और आपका अकाउंट वेरीफाई होगा। ये चीज़ ध्यान में रखिए, पैन कार्ड जिस नंबर नाम पे है वही नाम पे अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए, नहीं तो बैंक अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा और नेक्स्ट प्रोसेस आप नहीं कर पाएंगे। तो चलिए ये प्रोसेस करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अकाउंट नंबर देना है, देने के बाद वेरीफाई बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है। ये वाला जो वेरीफाई बैंक अकाउंट ऑप्शन है इधर आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं ये करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों बैंक अकाउंट आपका वेरीफाई होने के बाद आपको इधर लेके आएगा डिजी लॉकर डॉक्यूमेंट्स KYC, तो ये आपको करना ज़रूरत है। तो चलिए मैं इधर प्रोसीड फॉर KYC पे क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों आपको इधर अपना ये जो घर में टिक है ये टिक कर देना है। टिक करने के बाद ऑथराइज आधार पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों इधर अपना आधार नंबर एंटर करना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। तो चलिए मैं आधार नंबर एंटर करता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जब अपना आधार नंबर दे देंगे, आधार नंबर देने के बाद आपका आधार नंबर पे
मतलब जो मोबाइल नंबर ऐड करके रखे हैं उस नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। देखिए जो मोबाइल नंबर है लास्ट में 3335 है मेरा, आपका भी जो नंबर ऐड करके रखे वो नंबर पे ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी दे देना है। तो मेरा ओटीपी इधर आ गया है, मैं इधर प्रेस करूँगा तो हो जाएगा, ओटीपी मैं दे दिया हूँ। इसके बाद कंटिन्यू वाला ऑप्शन में क्लिक करना है। कंटिन्यू वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद इधर आपको अलाउ जो परमिशन मांग रहा है वो अलाउ करना है। अभी कुछ टाइम वेट करना है, केवाईसी प्रोसेस कम्प्लीटली हो चुका है, अभी लोडिंग ले रहा है, कुछ टाइम वेट करना है आपको। अभी देखिए कैमरा से हमारा एक फ़ोटो खींचना है, तो अपना एक फ्रेश लाइट में जाइए, लाइट में जाने के बाद एक अपना फ़ोटो खींचिए, ठीक है दोस्तों। देखिए फ़ोटो खींचने के टाइम में आपका एक साइड में राउंड, मतलब कैमरा का राउंड गोल कर राउंड रहेगा, उसके बाद रेड और ग्रीन होगा, देखेंगे आप। जब आपका ग्रीन हो गया तभी आपको फ़ोटो खींचना है, ओके। इसके बाद आपको ये देखिए, इसके बाद फ़ोटो खींचने के बाद ऑटोमेटिक फोटो वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद प्रोसीड टू सिग्नेचर, ये वाला आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, आपको इधर अपना जो सिग्नेचर है वो आपको लिखना है। इसके बाद सबमिट वाला ऑप्शन में क्लिक करना है। ये देखिए इस तरफ से करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, इस तरफ से आप लिखेंगे तो हो जाएगा। तो मान लीजिए आप गलती से कर दिए हैं तो आप रीसेट भी, इधर नीचे में जो देखिए रीसेट का ऑप्शन है, रीसेट भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं रीसेट करता हूँ, इसके बाद मेरा ये साइन कर देता हूँ। साइन करने के बाद मैं सबमिट वाला ऑप्शन में क्लिक करूँ। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये नॉमिनी ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो मैं अभी नॉमिनी ऐड नहीं करूँगा। तो आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हो येस प्रोसीड कर सकते हैं, और नहीं करना चाहते नो थैंक्स पिक दिस ये कर सकते हैं। तो चलिए मैं पिक कर लेता हूँ। इसके बाद ये और एक नोटिफिकेशन दिखा रहा है, तो मैं ऑलवेज पिक कर लेता हूँ, ये बाद में मैं कर लूँगा। इसके बाद देखिए और एक शायद वेरीफाई करना पड़ेगा, तो चलिए प्रोसीड टू आधार ई साइन क्लिक, मेरे को ई साइन वेरीफाई करना है, वो फिर से वो आधार के थ्रू ये जाएगा। इसके बाद देखिए प्रोसीड टू ई साइन पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू ई साइन में क्लिक करने के बाद साइन इन नाउ पे क्लिक करना है, नीचे में एकदम साइन इन नाउ है। इधर देखिए ये जो छोटा करके जो घर है इधर आपको टिक करना है। इसके बाद अपना आधार नंबर इधर एंटर करना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं पहले अभी आधार नंबर देता हूँ, इसके बाद सेंड ओटीपी करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। दोस्तों मैंने ओटीपी सेंड कर दिए हैं और हमारा नंबर पे ओटीपी आ गया है, तो मैं ओटीपी इधर एंटर करता हूँ। इसके बाद ये देखिए वेरीफाई ओटीपी करके एक ऑप्शन है, इधर वेरीफाई ओटीपी में क्लिक करना है। तो देखिए ये भी वेरीफाई हो चुका है। देखिए ये हमारा अकाउंट जो है सक्सेसफुली ओपन हो चुका है, ठीक है। अभी मैं इसके बाद देखिए दोस्तों, आप इधर नीचे में ऑप्शन आ गया है ऐड मनी टू इन्वेस्ट एक्सप्लोर, ठीक है। तो देखिए अभी आप इससे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, मैं एक्सप्लोर में आ चुका हूँ, बाद में इन्वेस्ट करूँगा। आप ऐड मनी करके इधर म्यूचुअल फंड जो भी सारा है, स्टॉक मार्केट जो भी है, सब कुछ कर सकते हैं अभी से, ठीक है। आपका पूरा सेटअप जो है कंप्लीट हो चुका है। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। हमारा चैनल बहुत छोटा है, आप लोगों का रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा रहिए, नमस्ते।